उत्तर प्रदेश की राजनीति की शातिर खिलाड़ी मायावती भले ही यूपी में अकेले चुनाव लड़ रही हो, लेकिन बसपा की रणनीति से सभी सियासी दल हैरान और परेशान हैं। मायावती जिस तरीके से कई सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतार चुकी हैं, उससे इंडिया गठबंधन सबसे ज्यादा परेशान है। कई सीटों पर जातीय समीकरण साध कर मायावती ने बीजेपी को भी झटका दिया है, लेकिन बसपा यूपी में कैंडिडेट की घोषणा करने में सबसे सुस्त साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशियों का ऐलान करने में सबसे पीछे है। पार्टी अभी आधी से ज्यादा सीटों पर टिकट नहीं तय कर पा रही है। मायावती की रणनीति शुरू से ही पार्टी उम्मीदवार घोषित करने की रही है, लेकिन इस बार वह पिछड़ती दिख रही हैं। वहीं भाजपा, सपा और कांग्रेस ज्यादातर सीटों पर टिकटों का ऐलान कर चुके हैं। अभी तक प्रत्याशियों का ऐलान होने से पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी असमंजस में हैं। इस लोकसभा चुनाव में एनडीए में भाजपा को 75 सीटें भाजपा के खाते में गई हैं, बाकी दो दो सीटें अपना दल और एक सुभाजपा को मिली है। भारतीय जनता पार्टी अपने खाते की 75 सीटों में से 63 पर प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन में सपा के खाते में 73 और कांग्रेस के खाते में 17 सीटें हैं। सपा 63 में से 48 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है, वहीं कांग्रेस 17 में से 14 पर प्रत्याशी उतार चुकी है। बसपा ही है जो अभी तक 80 सीटों में से महज 36 पर ही प्रत्याशियों का ऐलान कर सकी है। अभी 44 सीटों पर उसके प्रत्याशियों का इंतजार है। बसपा की इस रणनीति से हर कोई हैरान है, साथ ही कई सवाल भी खड़े होने लगे हैं। अमूमन बसपा बतौर प्रत्याशी सबसे पहले प्रत्याशियों के चेहरों का ऐलान कर देती है। पिछले चुनाव में आधिकारिक लिस्ट भी काफी पहले घोषित हो जाती थी। इस बार चुनाव अधिसूचना से पहले कुछ सीटों पर लोकसभा प्रभारी घोषित कर दिए, लेकिन आधिकारिक लिस्ट काफी देर से आई। अब तक बसपा 3 लिस्ट जारी करके 36 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। प्रत्याशियों के ऐलान में देरी की एक वजह यह भी बताई जा रही है कि कई सीटों पर जो प्रभारी घोषित किए गए हैं, उनका पार्टी पदाधिकारियों से तालमेल नहीं हो पा रहा है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। वहीं पूर्वांचल की कई सीटों पर अभी प्रत्याशियों की तलाश है। पदाधिकारियों ने कुछ नेताओं के नाम मायावती को भेजे हैं, लेकिन उन पर अभी सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में बसपा की निगाह दूसरे दलों पर भी है। कोशिश है कि कुछ ऐसे मजबूत प्रत्याशी जिनको दूसरे दलों में टिकट नहीं मिल पा रहा है, उनको टिकट देकर चुनाव लड़ा दिया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।